Well, hello guys, it's me, Strong Gamer, aur aaj main aap logo ko Shamir Abbas ki behan Rida Shah ka jinona sach batane wala hu. Aaj main aap logo ko batane wala hu ke is cute masoom se chehre ke piche kitna jinona chehra chupa hua hai. Aaj main Rida Shah ko expose karunga. Is खूबसूरत मासूम से चेहरे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक चेहरा छुपा हुआ है. रिदा शाह एक काला जादू करने वाली लड़की है. रिदा शाह काला जादू करती है और वो लोगों को अपने जादू में फंसाती है. रिदा शाह ने शमीर अब्बास पर भी जिन्नात को बिठाया था. अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो ये वीडियो देख ले. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शमीर अब्बास पर जिन आ गए थे. ये किसकी करामत थी? ये रिदा शाह ने किया था शमीर अब्बास पर जादू, क्योंकि शमीर अब्बास ने रिदा शाह का कहना नहीं माना था. रिदा शाह ने शमीर अब्बास को कहा था कि शमीर मेरे लिए दुकान जाओ. शमीर अब्बास ने उसे कहा नहीं जाता, तो रिदा शाह ने उस पर काला जादू कर लिया था. इस चेहरे के पीछे काफ़ी घिनौना चेहरा छुपा हुआ है. ये मुझे कैसे पता चला? रिदा शाह मेरी क्लास फेलो थी, उसने मुझे बताया. और मेरे और मैसा खान के बीच ब्रेकअप की वजह भी यही रिदा शाह है. रिदा शाह ने भी मैसा खान पर काला जादू किया था, जिसकी वजह से मैसा खान ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि रिदा शाह का मुझ पर क्रश आ गया था. और मेरा क्रश तो रुमैसा खान थी. रुमैसा खान मेरी गर्लफ्रेंड थी और रिदा खान रिदा शाह की रिदा खान है. वो अपने आप को रिदा खान बुलाती है. उससे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरी और रुमैसा खान की रिलेशनशिप, तो उसने मेरी रुमैसा खान पर काला जादू कर लिया और रुमैसा खान ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया. ये काफ़ी घिनौना घिनौनी औरत है, इससे अपने आप को बचाए. ये काला जादू करने वाली है. मुझे मेरी रुमैसा खान वापस कर दे रिदा शाह, अपना काला जादू हटा. ये थी हमारी आज की सनसनीखेज कहानी.